बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके हूँ अमीनोशन डीपीओ काड़ा कंट के अंदर कुछ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह है। चलते हैं इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसी हैं। इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की जी 15 फरवरी 2021 है। अमीनोशन डिपो काड़ा कंट में मुस्तकिल बुनियादों पर दर्ज झैल खाली असामियों के लिए दरख्वास्त मतलूब है। इसमें जो असामी है जी हमारे पास है वो है सिविल टेक्नीशियन काम ऑपरेटर पीपीएस 9 के अंदर जी एक वैकेंसी है, सूबाई कोटा पंजाब से है। तलीमी काबिलियत तजर्बा FA FSC मसावी होना चाहिए। अगर ज़रूरी हदायत आ जाती है तमाम असामी के लिए उम्र की हद 18 से 30 साल है। साबका फौजियों को कानून के मुताबिक राय दी जाएगी यानी उनकी 45 साल हो जाएगी। गवर्नमेंट के मुलाजमीन अपने महकमे की वसा से दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्तें इश्तहार शाया होने के 15 दिन के अंदर अंदर मसूल होनी चाहिए जी। देर से पहुँचने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को चाहिए कि अपनी दरख्वास्तों के ऊपर अप्लाई करता सामी का नाम और मोबाइल नंबर मुकम्मल पता ज़रूर लिखें। आपने जो नंबर लिखना है वो आपने याद रखना है कि आपका कन्वर्टेबल ना हो, ये आपने ज़रूर याद रखना है जी। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें बामा तलीमी असनाद कौमी शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल तजर्बा सर्टिफिकेट के मुसद्दक अनुकूल की 2 अदद कापी और 2 अदद तस्दीकशुदा पासपोर्ट साइज तस्वीर बनाए कमांडेंट अम्यूनिशन डिपो उकाड़ा कैंट पर 8 साल करें। टेस्ट और इंटरव्यू के वक्त असल असनाद और कौमी शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है, यानी आपने टेस्ट वाले दिन भी और इंटरव्यू वाले दिन भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ लेके जाने हैं। उम्मीदवारान दरख्वास्त के साथ 300 रुपये का पोस्टल आर्डर बनाम कमांडेंट अम्यूनिशन डिपो उकाड़ा कैंट ज़रूर अरसाल करें। पोस्टल आर्डर ना होने की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी, यानी पोस्टल आर्डर आपका होना लाजमी है। टेस्ट और इंटरव्यू की शार्ट लिस्ट उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा और कोई TADA नहीं दिया जाएगा। असिस्टेंट कमांडेंट अम्यूनिशन डिपो उकाड़ा कैंट ये पता जहाँ पे आपने एप्लीकेशन भेजनी है। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन देने का तरीका अगर सिंपल है, आपने सहायता कागज लेना है, उसके ऊपर एप्लीकेशन लिखनी है, उसके साथ आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की डुप्लीकेट अटैच करनी है, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर अटैच करनी है, इस पते के ऊपर भेजना है, ठीक है। और दूसरा तरीका है आप उसको MS Office के अंदर टाइप कर लें या इन पेज उर्दू के अंदर टाइप कर लें। जो तरीका आपको आसान लगे वो तरीके पर आप अमल कीजिए। और जो पोस्टल आर्डर आपने 300 रुपये का बनवाना है वो आप नेशनल बैंक से बनवा लें। पोस्टल आर्डर की एक कापी बैंक रख लेगा, एक आपको देगा, वो आपने दरख्वास्त के साथ लगा के इनको भेजनी है। अगर उस कापी की आपको डुप्लीकेट चाहिए तो उसकी फ़ोटो कापी करवा के अपने पास रख लें, स्कैन करके या मोबाइल में पिक्चर बना के, जैसे आपको आसान लगे। तो बाकी लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ से आप अच्छी तरह चेकआउट कर लीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।